गुड मॉर्निंग क्लास, मैं धरा श्रीवास्तवा, आपकी इंग्लिश टीचर। बच्चों, हम लोगों ने माई शैडो पोएम कंप्लीट कर ली थी और उसकी एक्सरसाइजेस भी सभी ने कंप्लीट कर ली हैं। जिन्होंने नहीं करी हैं वो अब से कर लें। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। रॉबिन्सन क्रूसो ये एक सेलर थे, ये शिप्स ले करके समुद्र में जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार की बात है, ये अपनी शिप को लेकर के समुद्र में जा रहे थे कि एक स्टॉर्म ने इनको हिट किया, मतलब एक समुद्री तूफान आया जिसकी वजह से जो इनकी शिप थी वो टूट गई और उसकी वजह से इन्हें एक रैंडम आइलैंड पर रुकना पड़ गया, जहाँ पर कि ये अकेले काफ़ी टाइम तक ये उस आइलैंड पर अकेले रहे। और फिर वहाँ पर उन्हें एक फुटप्रिंट मिला, एक पैरों के निशान मिले, जिसे देख करके वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए और डर गए। ये सोचने लगे कि यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ, तो ये दूसरा फुटप्रिंट, दूसरा पैरों का निशान, ये किस आदमी का है या किस व्यक्ति का है। ठीक, तो अब देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं रॉबिन्सन क्रूसो। वन डे When I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन when I was going towards my boat, जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया, मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया पैरों के निशान देखकर एक आदमी के on the sand, रेत पर। रेत पर किसी और आदमी के पैरों के निशान देख करके मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया। कौन कह रहा है ये बात? ये बात रॉबिन्सन क्रूसो कह रहे हैं। आई स्टूड अमेज्ड, मैं वहाँ पर आश्चर्यचकित होकर के खड़ा रहा। ठीक है, स्टूड मतलब खड़े रहना। आई लिसेंड, मैंने सुना। आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपने आस पास चारों तरफ देखा। आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनी थिंग, ना तो मुझे कुछ दिखाई दिया ना तो मुझे कुछ सुनाई दिया। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं और ऊपर चढ़ा और ऊपर गया ताकि मैं ऊपर से नीचे भी देख सकूं, ऊंचाई से मैं नीचे देख सकूं ताकि मुझे काफ़ी अच्छा ज़्यादा एरिया दिखाई दे कि क्या वहाँ पर मेरे अलावा भी कोई है। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं शोर पे किनारे के ऊपर भी गया और नीचे भी गया। बट इट वॉज़ नो गुड, लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। बट इट वॉज़ नो गुड, कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई भी नहीं दिखा। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे उस वाले पैर के निशान के अलावा और कोई भी पैर का निशान नहीं दिख रहा था। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स, मैं वहाँ पर बार बार गया। वेंट मतलब वापस जाना या पहुंचना, अगैन मतलब फिर से। टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स एंड टू टेल इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और मैं बार बार जाकर के ये कंफर्म करना चाह रहा था कि वो जो फुटप्रिंट्स हैं वो वाकई वहाँ पर हैं या कहीं वो मेरी सोच तो नहीं, मैं कहीं कुछ सपने तो नहीं देख रहा, मैं कुछ चीज़ें इमेजिन तो नहीं कर रहा। तो खुद को श्योर करने के लिए वो बार बार उस फुटप्रिंट के पास गए, उसे देखा, नोटिस किया और ऑब्जर्व किया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, लेकिन मैं गलत नहीं था। फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, क्योंकि वहाँ पर सच में वहाँ पर पैरों के निशान थे। टोज मतलब पैर की उंगलियाँ, हील मतलब एड़ियाँ, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, पैर का पूरा पूरा पार्ट का निशान वहाँ पर था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वहाँ पर आया कैसे, पैरों का निशान उस बैरन आइलैंड पे, जो ऐसा आइलैंड जहाँ पर कोई था ही नहीं, वहाँ पर दूसरे के पैरों के निशान कैसे आए। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, मैं वहाँ पर बहुत देर तक खड़ा सोचता रहा, रुका रहा, सोचता रहा, लेकिन मैं जितना सोचता था मैं उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होता जाता था। मैं जितना सोचता था कि यहाँ पर ये क्यों है, कैसे है, किसका है,
मैं उतना ही ज़्यादा कंफ्यूज होता जा रहा था कि आखिर ये पैरों के निशान मेरे नहीं हैं तो किसके हैं। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, और लास्ट में मैं घर आया बहुत ही डरा हुआ। आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स। और मैं जैसे 2-3 कदम आगे चलता था, मैं मुड़ मुड़ के पीछे देखा करता था, मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन। और बार बार मुझे ऐसा लगता था कि जितनी भी झाड़ियाँ हैं, बुश मतलब झाड़ियाँ और ट्री मतलब पेड़, तो मुझे बार बार, मैं जितने कदम आगे बढ़ता था, मैं बार बार डर के मारे पीछे मुड़ के देखा करता था। और मुझे बार बार ऐसा लगता था गलती से कि जितनी भी झाड़ियाँ हैं या जितने भी पेड़ हैं, वो सब आदमी हैं, कोई आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है, मेरे पीछे चल रहा है। तो बेसिकली जो क्रूसो थे वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके थे। व्हेन आई केम टू माई केव, जब वो अपनी गुफा जिसमें कि वो रह रहे थे, जब वे वहाँ पर वापस आए, विच आई कॉल्ड माई कासल, वो उस गुफा को अपना महल कहा करते थे। कासल मीन्स महल, क्योंकि अब वो बहुत टाइम से वहाँ पर रह रहे थे, उस जो आइलैंड था उस पर वो बहुत ज़माने से रह रहे थे, इसलिए वो अब हर चीज़ को अपने हिसाब से नाम दे रहे थे ताकि उन्हें घर जैसी फीलिंग आए। तो फिर वो उस केव को, उस गुफा को अपना कासल कह रहे थे। कासल मीन्स महल। आई रैन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड, और मैं उस महल के अंदर ऐसा दौड़ा, इतनी तेज से दौड़ा जैसे कि कोई मेरा पीछा कर रहा हो। चेज मतलब पीछा करना। आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लैडर और वेंट इन बाय द होल, और मुझे याद नहीं है कि मैं जो गुफा के अंदर मैं कैसे पहुंचा, मैं किसी सीढ़ी की सहायता से पहुंचा या जो वहां पर छेद था, होल था, मैं उसके तरह से पहुंचा। इन द रॉक विच आई कॉल्ड द डो, और जो पत्थर था मैं उसके थ्रू अंदर कैसे पहुंचा मुझे याद भी नहीं है। मैं इतनी तेज़ी से पहुंचा था तो इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है। जो पत्थर था उसको वो विच आई कॉल्ड द डो, वो उस पत्थर को दरवाज़ा कहा करते थे। वो जो अपना गुफा था जिसको वो कासल कहा करते थे, उसमें जो पत्थर से जो होल था, जो छेद था जिसके थ्रू वो अंदर घुसा करते थे, उसको वो क्या बोला करते थे, विच आई कॉल्ड द डो, उसे वो डोर दरवाज़ा कहा करते थे। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, और मैं खुद को छुपाने के लिए, खुद को हाइड करने के लिए इतनी ज़ोर से दौड़ा, इतनी ज़ोर से कि कोई जानवर ही क्या दौड़ेगा। मतलब मैं बहुत तेज़ दौड़ा, फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कोई जानवर भी जितनी तेज़ दौड़ सकता है मैं उससे भी कई ज़्यादा तेज़ दौड़ा खुद को छुपाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं उस रात सोया नहीं। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकम, मैं जितना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचता था कि वो फुटप्रिंट है, उतना ही ज़्यादा मैं डर जाता था। अफ्रेड मतलब डर जाना। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सैवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वैंडर्ड आउट ऑफ द सी इन अ स्मॉल बोट, और मैंने सोचा कि जो फुटप्रिंट है वो किसी सैवेज का हो सकता है। सैवेज मतलब पुराने लोग, जो बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड होते हैं, ठीक है, जो लोग बेसिकली बहुत पुराने, जो लोग की डेवलप नहीं होते हैं जमाने के हिसाब से, ठीक है, बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराने लोगों को, वाइल्ड लोग को सैवेजेस कहा जाता है, ठीक है। तो फिर वो यही सोच रहे थे कि वो जो पैर के निशान हैं वो मेरे तो नहीं हैं, पर मेन लैंड जो कि असली भूमि है जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ से कोई आया होगा जो कि समुद्र में घूम रहा होगा या बोट के थ्रू ट्रैवल कर रहा होगा, क्या पता उनमें से कोई उतर करके इस आइलैंड पर आया हो जिस वजह से उसके पैरों के निशान यहाँ पर हैं, ठीक है। तो उसने ये सोचा कि जो जंगली लोग हैं वहाँ पर, उनके पैरों के निशान वो हो सकते हैं जो कि छोटी नाव में घूमते आए होंगे और उनके पैरों के निशान इस रेत पर पड़ गए। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, थैंक गॉड, उसने जो क्रूसो, उन्होंने सोचा कि थैंक गॉड, अच्छा हुआ किस्मत से मैं उस समय समुद्र के किनारे पर वहाँ पर नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन क्या हुआ होगा अगर उन्होंने मेरी बोट को देख लिया होगा कि मेरी बोट वहाँ पर है,
इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। फिर उनके अंदर ये डर बैठ गया कि अगर उन जंगली लोगों में से किसी ने मुझे देखा होगा, मैं तो था नहीं वहाँ पर किसी ने अगर मेरी बोट को भी देख लिया होगा तो वो ये समझ गए होंगे कि इस आइलैंड पर कोई ना कोई रहता है और फिर वो लोग मुझे आकर के मार के और मुझे खा लेंगे। ऐसा डर क्रूसो के अंदर बैठ गया। ठीक, एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। सो मैं बहुत दिन तक बहुत डर में ही भयभीत रहा, ठीक है, और मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे बचाए रखें, मुझे प्रोटेक्ट करें, कौन? भगवान, क्योंकि और कोई तो वहाँ पर था नहीं। इन डूइंग सो, ऐसा करते हुए आई वॉज मच कंफर्टेड एंड बिगैन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, फिर धीरे धीरे मुझे कंफर्टेबल हो गया, मुझे लगने लगा कि अरे कोई और यहाँ पर नहीं है और मुझे जाकर के खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, मुझे जाके खुद देखना चाहिए कि एक्चुअल में क्या कोई है या कोई है जो मुझे हार्म पहुँचा सकता है। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड। बट अभी भी जैसे ही मैं बाहर निकला और मैं आगे की ओर बढ़ा, आई लुक बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, मैं बार बार अपने पीछे की ओर देखा करता था बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेंड, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, और फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार। ठीक है, However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However, जबकि as I went about for 2-3 days, वो 2-3 बार जा करके देखते रहे आइलैंड पर कि कोई दिख जाए, कोई है क्या जो मुझे हार्म करे, वो ढूंढते रहे लोगों को, but he saw nothing, पर उन्हें कुछ भी नहीं दिखा। और जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखा तो he became a little bolder, वो कुछ ज़्यादा मजबूत हो गए। जब उन्हें बार बार, तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि अरे कोई नहीं है, मैं झूठ में ही डर रहा था। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगैन, तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मैं वापस से समुद्र के किनारे जाऊंगा दोबारा से, अगेन मीन्स फिर से, एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट्स वन मोर, और मैं एक बार फिर जा करके जो पैरों के निशान हैं उनको फिर से देखूंगा, उनको एग्जामिन करूंगा, उनको परीक्षण करूंगा कि वो किसके हैं, कैसे हैं। I decided to measure it with my own footmark. फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं जो पैरों के निशान हैं उनको मैं अपने पैरों के निशान से मैच करूँगा और देखूँगा, नापूँगा कि वो एक्चुअल में कैसे हैं, कितने बड़े हैं। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. जैसे ही वो उस footprint के पास आए, ठीक है, I realized, फिर उन्होंने realize किया, मैंने realize किया, ऐसा क्रूसो कहते हैं कि वो फुटप्रिंट मेरा है ही नहीं, वो मेरा हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम से बीच के इस कॉर्नर में, इस पार्ट पर आया ही नहीं हूँ। जब मैं इस जगह पर आया ही नहीं हूँ तो यहाँ पर मेरे पैरों के निशान कैसे हो सकते हैं। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड द फुटप्रिंट, और दूसरी बात कि जैसे ही मैंने अपने पैर को उस जो फुटप्रिंट था उसके बगल में, अलॉन्ग साइड मतलब बगल में रखा, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, तो वो पैर का जो निशान था वो मेरे पैर से काफ़ी बड़ा था, लार्जर मतलब बड़ा। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया, मैं फिर से डर गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस से अपने घर चला गया, उस केव में चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, और इस विश्वास के साथ कि वहाँ पर कोई और भी था। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब किसी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, कोई वहाँ पर रहने आ गया था। तो उनको ये, उनका डर वापस आ गया कि वापस से घर चलो, ज़रूर कोई यहाँ पे कोई और भी है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्रूसो की स्टोरी फिनिश हो गई। तो इस स्टोरी से हमें ये चीज़ समझ में आई कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमें करेजियस होना चाहिए। ठीक, हमें डरना नहीं चाहिए चीज़ों से, जब भी हमें किसी चीज़ से फियर हो या हमें डर लगे तो हमें उसे फेस करना चाहिए। ठीक, वो क्रूसो अगर पूरे टाइम केव में ही रह गए रहते, ठीक, वो वापस से आते नहीं तो वो समझ नहीं पाते, उनके अंदर डर रहता कि कोई उन्हें मार देगा, तो उन्होंने अब खुद को बोल्ड किया, उन्होंने खुद को करेजियस किया। ठीक, उन्होंने सारी साहस उठाया और वो वापस से शोर पर आए देखने कि वो पैरों के निशान किसके थे। तो ऐसी सिचुएशन सभी के साथ आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हमें डर लगे तो हमें साहसी बनना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम आती हैं उन्हें हमें
फेस करना चाहिए। बच्चों ये स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, आई होप सबको समझ में आ गई होगी। जो भी वर्ड मीनिंग्स में आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड आई वॉन्ट कि आप सभी इसके वर्ड मीनिंग्स नोट भी कर लें। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं आप उन्हें कॉपी पे नोट करके उनकी मीनिंग्स लिखें। प्रॉब्लम होती है तो मैं बिल्कुल यहाँ पर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आपका काम सिर्फ इतना है कि आपको वर्ड मीनिंग्स नोट करनी है और इस स्टोरी को दोबारा से रीड करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।